जो असम में वो चोरी कर रहे हैं 24 घंटा। असम के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, देखो एक दो पुलिस वाले ताली बजा गए, देखो वो देखो हंस रहा है। मैं जानता हूं नहीं बजा सकते, गलती से भी मत बजा देना, मगर आपके दिल में जो है मैं समझता हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने अब रफ्तार पकड़ ली है। लगातार असम से ट्विटर यानी एक्स पर ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद सभी हैरान है कि आखिर असम के सीएम को राहुल गांधी से क्या दुश्मनी है। तो बता दें कि इस वक्त जो है वो राहुल गांधी और असम के सीएम यानी कि हिमंत बिस्व शर्मा में लगातार एक जंग देखने को मिल रही है। चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ऑफिस कॉल्ड अप योर the leadership of your university and said that Rahul Gandhi must not be allowed to speak to the students of this university. Right? Now, why is it important? It's not important that Rahul Gandhi comes or Rahul Gandhi doesn't come. हिमंत बिस्व शर्मा है जो ये कहते हैं कि मैं अपने असम में अराजकता नहीं फैलाना चाहता, इसीलिए मैं जगह जगह पर राहुल गांधी को रोकने की कोशिश करता हूं। तो वहीं राहुल गांधी का कहना है कि सबसे भ्रष्ट अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई नेता है, तो वो है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा। लेकिन दोनों के बीच इस बार जंग हो क्यों रही है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बार बार रोका क्यों जा रहा है? इस वीडियो को आपने देखा होगा किस तरीके से रोड पर सड़कों पर छात्र उतर आए हैं। बता दूं कि ये वीडियो कुछ ही समय पहले आई है, इस पर वायरल हो रही है, क्योंकि हिमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी के प्रवेश को एक विद्यालय में मना कर दिया, एक महाविद्यालय में, एक विश्वविद्यालय में राहुल गांधी को जाने से जब रोका गया तो वहां के छात्र सड़कों पर उतर आए। तो आप सोच ही सकते हैं कि युवाओं में राहुल गांधी का कितना ज्यादा क्रेज है कि राहुल गांधी के लिए छात्र, कॉलेज के छात्र सड़कों पर उतर आए और उनको लगातार उनको सुनने के लिए उन लोगों ने भीड़ लगा ली। और यहाँ तक कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं साफ साफ किस तरीके से सभी छात्रों ने अपने अपने हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं और एक झुंड बना करके राहुल गांधी को पूरी तरफ से घेरे हुए हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि युवाओं में कितना ज्यादा राहुल गांधी का क्रेज है। वहीं दूसरी तरफ बीते दिन ऐसी वीडियोस आई थी जब मंदिर में जाने से राहुल गांधी को रोका गया था, मंदिर में उनका प्रवेश बाधित किया गया था, तो उस वक्त भी उन्होंने सड़कों पर धरना दे दिया। उनके साथ में कई लोगों ने उनके साथ बैठकर मंदिर के बाहर धरना दिया और कई घंटों तक ये लगातार चलता रहा। इतना ही नहीं, इससे पहले भी राहुल गांधी की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर सबसे भ्रष्ट कोई नेता है तो वो है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा। सुनिए जरा इस वीडियो में राहुल गांधी ने क्या कहा। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली, इतना ही नहीं, जब हम असम के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो उनके अलग ही स्टेटमेंट बाहर आते हैं। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो असम है वो एक शांति प्रिय राज्य है, तो हम अपने राज्य में शांति नहीं फैलाना चाहते, अराजकता नहीं फैलाना चाहते। यही बात है कि हम बार बार राहुल गांधी की यात्रा पर बाधा लगा रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, उन पर पाबंदियां लगा रहे हैं। अब देखिए कि राहुल गांधी ने आखिर हिमंत बिस्व शर्मा के बारे में क्या कहा। उनका ये कहना था कि हिमंत बिस्व शर्मा चोरी कर रहे हैं, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस वीडियो में जरा देखिए। जो असम में वो चोरी कर रहे हैं 24 घंटा, असम के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, देखो एक दो पुलिस वाले ताली बजा गए, देखो वो देखो हंस रहा है। मैं जानता हूं नहीं बजा सकते, गलती से भी मत बजा देना, मगर आपके दिल में जो है मैं समझता हूं। लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इस यात्रा ने तुल पकड़ ली है और अब बहुत जल्द ही इस यात्रा को एक चरम सीमा मिल जाएगी। उसके बाद ये जब यात्रा खत्म होगी तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले चुनाव में इस यात्रा का असर देखने को मिले।
राम मंदिर का एक मुद्दा था जो अब खत्म हो चुका है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन अब जो सारा फोकस है लोगों का राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जा रहा है। लगातार इस यात्रा से जुड़े ऐसी ऐसी खबरें सामने आती है कि लोग अपने आप को उसे रीट्वीट करने से, उसे फैलाने से रोक नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार इस तरीके की वीडियो आ रही है और ये वीडियो देखिए जरा किस तरीके से राहुल गांधी के लिए युवाओं में कितना ज्यादा क्रेज है। एक बार मैं फिर से आपको ये वीडियो दिखा देती हूँ किस तरीके से युवा उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। जरा देखिए ये वीडियो। चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ऑफिस कॉल्ड अप योर द लीडरशिप ऑफ योर यूनिवर्सिटी एंड सेड दैट राहुल गांधी मस्ट नॉट बी अलाउड टू स्पीक टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। Why is it important? It's not important that Rahul Gandhi comes or Rahul Gandhi doesn't come. That's not important. What is important is that you are allowed to listen to anybody you want to listen to. Now, this is taking place not only in Assam. This is taking place in every single university, college and school of India. You are being told that you must blindly obey the RSS and the leadership of this country. You are being told that you should not have your own imagination. Hindustan ka sabse bhrasht chief minister, sabse corrupt chief minister, Assam ka chief minister hai. सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है, क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे से खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कांग्रेस इस यात्रा से आने वाले चुनाव में बढ़त बना पाएगी? क्या कांग्रेस भाजपा को टक्कर दे पाएगी? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राम मंदिर, दोनों में से कौन सा मुद्दा आने वाले चुनाव में भारी पड़ेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए, या आपके मन में जो भी बातें आ रही है वो लिख दीजिए। राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी अगर आपके मन में कोई बात है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर राम मंदिर से जुड़ी कोई बात है तो आप वो लिख सकते हैं। अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो जय श्री राम लिख दें, अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं तो कांग्रेस के बारे में कुछ लिख दें। ऐसी और वीडियो के लिए बने रहिए NCR समाचार पर।